जिले में गोवंश तस्करी का मामला थमते नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को बिस्टान पुलिस ने गोवंश का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। उक्त गोवंश को महाराष्ट्र वध के लिए ले जाया जा रहा था। ट्रक में करीब 60 गोवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे। इनमें से करीब 4 की मौत हो चुकी थी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को पास कराने के लिए एक बोलेरो वाहन भी साथ चल रहा था, उसे भी जब्त किया गया है। तस्करों ने ट्रक में लकड़ी के 2 पार्टीशन बना रखे थे, जिसमें नीचे और ऊपर पशुओं को भरा गया था। वाहन को ऊपर तिरपाल से ढका गया था, जिससे कोई शंका न करे। वाहन से उतारते समय क्रेन की मदद लेना पड़ी। ASP नीरज चौरसिया ने बताया कि एक बड़े ट्रक में गोवंश क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। मामले में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। शासन की मंशानुरूप वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से गोवंश पे काफ़ी शक्ति की गई है। उसी तारतम्य में आज विस्टान थाने में एक कार्रवाई की गई है। एक बड़ा ट्रक है पकड़ा गया, जिसमें करीब 55 से 60 पशु होने की अभी तक की जानकारी है हम लोगों के पास। कार्रवाई अभी निरंतर चल रही है। उसमें से 4 पशु मृत अवस्था में पाए गए हैं। तो इसमें विस्टान थाने में FIR करके और करीब अभी 4 आरोपी हैं जो गाड़ी में मिले हैं, और उसके साथ एक बोलेरो व्हीकल भी है। बोलेरो गाड़ी भी थी जिसमें और साथी थे जो उसको पास कराते थे आगे भी चल के। उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।